नमस्कार दोस्तों, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं धर्मेंद्र संधू स्वागत करता हूं। किसी ने सच ही कहा है कि भगवान की लीला भगवान ही जाने, भगवान कब किस रूप में प्रकट होकर दर्शन दें यह तो केवल भगवान ही जानते हैं। द्वापर काल में माता यशोधा ने शनि देव को भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने से रोक दिया था। तब भगवान श्री कृष्ण ने शनि देव को कोयल बनकर दर्शन दिए। यह स्थान आज भी भक्तों के लिए पावन स्थान के रूप में पहचान रखता है। इस मंदिर में शनि देव महाराज के दर्शन करने पर भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आइए आज आपको इस मंदिर के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। कहां पर भगवान श्री कृष्ण ने कोयल बनकर दिए दर्शन? मथुरा से करीब 60 किलोमीटर की दूरी पर कोसी कला स्थान है, जहाँ पर भगवान सूर्य देव के पुत्र शनि देव का प्राचीन कोकिला वन धाम मंदिर स्थापित है। यह वह स्थान है, यहाँ से नंदगांव बरसाना श्री बांके बिहारी मंदिर बेहद पास हैं। 20 एकड़ में स्थापित कोकिला वन धाम में शनि देव के मंदिर के अलावा श्री देव बिहारी मंदिर, श्री गोकुलेश्वर महादेव मंदिर, श्री गिरिराज मंदिर, श्री बाबा बनखंडी के मंदिर प्रमुख हैं। इस मंदिर के परिसर में दो प्राचीन सरोवर इस मंदिर के पुरातन होने की प्रमाणिकता को सिद्ध करते हैं। यहाँ पर एक गौशाला भी बनी हुई है। इस पावन स्थल पर ही भगवान श्री कृष्ण ने शनि देव महाराज को कोयल बनकर दर्शन दिए थे। आखिर क्यों माता यशोधा ने नहीं करने दिए शनि को कृष्ण के दर्शन? पापियों का नाश करने के लिए जब भगवान श्री विष्णु हरि ने भगवान श्री कृष्ण के रूप में इस धरती पर अवतार लिया, तो सभी देवी देवता उनके दर्शन करने के लिए नंदगांव पधारे। विष्णु भक्त शनि देव भी देवताओं संग भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने नंदगांव पहुंचे, परंतु माता यशोधा ने उन्हें अपने लाडले नंद लाल के दर्शन करने से रोक दिया, क्योंकि माता यशोधा को इस बात का डर था कि कहीं श्री शनि देव की वक्र दृष्टि उनके लाडले कान्हा पर ना पड़ जाए। शनिदेव को माता यशोधा की बात अच्छी नहीं लगी और वह निराश होकर नंदगांव के पास ही एक जंगल में आकर तपस्या में लीन हो गए। शनिदेव का मानना था कि पूर्ण परमेश्वर भगवान श्री विष्णु ने ही तो उन्हें न्यायाधीश बनाकर पापियों को दंडित करने का कार्य सौंपा है और वह खुद ही अपने इष्ट के दर्शन ही नहीं कर पा रहे हैं। इस वन में श्री कृष्ण ने कोयल बन दिए शनि देव को दर्शन। भगवान श्री कृष्ण अपने प्रिय शनि देव की तपस्या से भावुक हो गए। श्री कृष्ण ने कोयल के रूप में शनि देव के समक्ष प्रकट होकर कहा कि हे शनि देव, आप निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित होकर पापियों को सजा प्रदान करते हैं ताकि सज्जन पुरुषों का कल्याण हो सके। हे शनि देव, आपसे एक भेद खोलना चाहता हूँ कि यह ब्रज क्षेत्र मुझे सबसे अधिक प्रिय है, कि मैं इस पावन भूमि को हमेशा आप जैसे न्याय के देवता की देखरेख में रखना चाहता हूँ। मेरी इच्छा है कि आप इसी स्थान पर सदैव निवास करें। मैं यहाँ पर आपको कोयल के रूप में मिला हूँ, इसीलिए आज से यह पावन स्थान कोकिला वन के नाम से पहचाना जाएगा। इस वन में हमेशा कोयल के मधुर स्वर गूंजते रहेंगे। इस प्रदेश में और कोकिला वन धाम में आने वाला हर प्राणी आपके साथ साथ मेरी कृपा का पात्र भी बनेगा। कोकिला वन धाम मंदिर का इतिहास। गरुड़ पुराण में व नारद पुराण में कोकिला बिहारी जी का उल्लेख आता है। ऐसे में शनिदेव महाराज का भी कोकिला वन में विराजमान होना भगवान कृष्ण के काल से ही माना जाता है। यह मंदिर कुछ समय के लिए देख रेख ना होने के कारण जीर्ण अवस्था में पहुंच गया था। कहा जाता है कि करीब 350 वर्ष पहले भरतपुर के राजा ने भगवान की प्रेरणा से इस कोकिला वन के जीर्ण अवस्था में पहुंच चुके कोकिला वन मंदिर का अपने राजकोष से जीर्णोद्धार करवाया था। तब से इस मंदिर का विकास निरंतर जारी है। इस मंदिर में श्री शनिदेव बरसाते हैं विशेष कृपा। कोकिला वन धाम मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इस मंदिर में शनिदेव महाराज के दर्शन मात्र से ही शनिदेव भक्तों पर अपनी विशेष कृपा प्रदान करते हैं। भक्तों को शनि महादशा, साढ़े सती और ढया के प्रकोप से भी मुक्ति मिलती है। प्रत्येक शनिवार को यहां पर भक्तों का तांता लगा रहता है। शनि अमावस्या को यहाँ पर विशाल मेले का आयोजन होता है। तो दोस्तों, यह थी उस पावन स्थान से जुड़ी जानकारी जहाँ पर श्री कृष्ण ने शनिदेव को कोयल के रूप में दर्शन दिए थे। ऐसी जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे। जुड़े रहिए D5 चैनल हिंदी के साथ।